नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन और आप देख रहे हैं मेरा राज्य मेरा देश। और शुरुआत देखिए पहली खबर में कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार रहेगी या जाएगी, इसे लेकर अभी भी जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। शिवसेना जहां सरकार बचाने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी और शिवसेना के बागी नेता ठाकरे सरकार को उखाड़ने पर तुले हैं। इसे देखिएगा, उद्धव सरकार पर लटकी है तलवार और हिंदुत्व पर बागी हुए शिव सैनिक, ये सबसे बड़ा सवाल। शुरुआत इस खबर से भी होगी। अलावा इसके अब आपको बता दें कि दूसरी जो बड़ी खबर होगी मेरा राज्य मेरे देश में, वो होगी महाराष्ट्र के सियासी भूचाल का असर सिर्फ मुंबई में नहीं दिख रहा, बल्कि दिल्ली से लेकर सूरत तक गदर मचा हुआ है। और किस तरह यह गदर मचा है ये आपको समझाएंगे। सूरत में शिवसेना के विधायक नॉट रीचेबल हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खबरें आ रही है कि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस के तहत काम शुरू कर दिया है। इस पर भी देखिएगा, महाराष्ट्र में सियासी भूचाल, दिल्ली से सूरत तक गदर। तीसरी खबर मेरा राज्य मेरे देश में देखिए, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जो खुलासे हुए हैं वो वाकई हैरान करने वाला है। हैरान करने वाले खुलासे हुए। मूसेवाले का मर्डर करने के लिए जो तैयारी की गई थी उसके तार हिंदुस्तान से लेकर कनाडा तक जुड़े हुए हैं। इस पर देखिएगा, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, 6 शूटर 2 मॉड्यूल। चौथी खबर मेरा राज्य मेरे देश में देखिएगा, सेना भर्ती योजना अग्निपथ पर एनएसए अजीत डोभाल ने दो टूक समझा दिया है कि देश के अग्निवीर ये ना समझें कि नौकरी सिर्फ 4 साल की है, बल्कि उन्हें यह भरोसा दिया जाता है कि 4 साल बाद हर अग्निवीर को राष्ट्र के विकास और सुरक्षा से सीधा जोड़ा जाएगा। इस पर देखिएगा, अग्निपथ पर एनएसए डोभाल, अदृश्य शत्रु से लड़ेंगे अग्निवीर। लेकिन शुरुआत सबसे पहले मैं बड़ी खबर के साथ कर रहा हूं, क्योंकि सरकार पर संकट के बीच उद्धव ठाकरे का, यह आपको बता दूं बड़ी खबर अभी जो आ रही है, संकट में उद्धव सरकार है। और इस बीच में सरकार पर संकट के बीच उद्धव सरकार का बड़ा दांव है। थोड़ी देर में विधायकों के साथ एक बैठक होने वाली है, यानी मीटिंग होगी, और सभी विधायकों को मौजूद रहने के निर्देश भी दिए गए। कहा गया सब रहिएगा, सबको वहां रहना है, शरद पवार भी हो सकते हैं शामिल, ये भी जानकारी मिल रही है। हालांकि शरद पवार ने दिन में कहा था ये शिवसेना का जरूरी मामला है, शिवसेना को तय करना है कि एकनाथ शिंदे को वो कैसे मनाते हैं, ये उनका अपना अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन शरद पवार भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बरसा बंगले पर विधायकों के साथ मीटिंग होगी। इस पर एक रिपोर्ट। लेकिन क्या वाकई महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार पर तलवार लटक रही है? क्या वाकई शिवसेना के बाकी विधायक और दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे ठाकरे सरकार को गिरा पाएंगे? इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में ऐसा भूचाल आ चुका है जिसमें कब क्या हो जाए इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। उद्धव सरकार पर लटकी तलवार, हिंदुत्व पर बागी हुए शिव सैनिक। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार खतरे में है। तमाम कोशिशों के बावजूद ऐसा लग रहा है कि उद्धव सरकार को एनसीपी और कांग्रेस का साथ भारी पड़ने जा रहा है। वैसे तो उद्धव सरकार को गिराने की कोशिश के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन शिवसेना को हिंदुत्व के मुद्दे पर खुद शिवसैनिक विधायक और नेता घेर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना बाबा साहब के हिंदुत्व के सिद्धांतों से भटक चुकी है। शिवसेना के दिग्गज मंत्री एकनाथ शिंदे अपनी यानी शिवसेना के 15 एक एनसीपी और 14 निर्दलीय विधायकों के साथ गुजरात के सूरत जा बसे। इस टोली में शिंदे के अलावा 3 मंत्री और हैं। बगावती कदम के साथ शिवसेना ने शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटा दिया। पार्टी के इस एक्शन के बाद शिंदे ने बयान दिया जो उनके बागी तेवरों के एकदम उलट था। उन्होंने ट्वीट किया, हम बाला साहब के सच्चे शिव सैनिक हैं। बाला साहब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है, हम सत्ता के लिए कभी भी धोखा नहीं देंगे।
आमचं नक्की आहे की महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टीचं सरकार लवकरात लवकर यावं आणि मला वाटतं त्याची आता सुरुवात ही कालच्या विधान परिषदेच्या निकालापासून सुरू झाली आहे असं म्हणावं लागेल। सूत्रों का दावा है कि एकनाथ शिंदे ने पवार की एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन की शर्त रखी है। ये भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे खुद मुख्यमंत्री पद पर बैठना चाहते हैं। शिंदे ने तीन विधायकों संजय राठौर, संजय बांगर और दादा भुसे कुल को मातोश्री भी भेजा है। इस मुलाकात में क्या हुआ ये अभी सामने नहीं आया, लेकिन शिवसेना के दिग्गज नेता संजय राउत इस सियासी भूचाल पर कुछ अलग ही दावा कर रहे हैं। सूरत में है, मैंने सुना है, हमारा उनसे संपर्क हुआ है, हमारे सब एमएलए वहां है, लेकिन जब भी मौका मिलेगा हमारे सभी एमएलए यहां वापस आ जाएंगे क्योंकि वो निष्ठावंत निष्ठावान शिवसैनिक। इधर एनसीपी चीफ शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार पर मंडरा रहे खतरे को खारिज किया और कहा कि सरकार पर किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। साथ ही एनसीपी विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग की सुगबुगाहटों को भी नकारा है। उन्होंने शिंदे की नाराजगी को शिवसेना का अंदरूनी मसला करार देते हुए कहा कि यह कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी दो बार ऐसी कोशिशें हो चुकी हैं। शिवसेना की लीडरशिप इस पर जो कुछ तय करेंगे इसके साथ हम रहेंगे, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में वहाँ जो गवर्नमेंट चल रही है इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता हमें व्यक्ति नहीं। क्या महाराष्ट्र में सियासी उठापटक का अंदाजा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि मुखिया शरद पवार को हो गया था? महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार पर आए सियासी भूचाल की पटकथा के पीछे कौन है ये पूरी तरह से अभी साफ नहीं है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के करिश्मे के चर्चे फिर हो रहे हैं। शायद पवार को इस बात का अंदाजा राज्यसभा चुनाव के नतीजे के बाद हो गया होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तब उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की सफलता के पीछे फडणवीस का चमत्कार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बीच एक बड़ी खबर और आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। एकनाथ शिंदे से जुड़ी हुई बड़ी खबर अभी आ रही है। एकनाथ शिंदे ने खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी बात की है, दोनों के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई है, दोनों के बीच करीब 5 मिनट तक बातचीत हुई है। क्या कोई निदान निकला, क्या कोई रास्ता निकला, क्या ये सबसे अहम सवाल रहेगा। टेलीफोन पर तो बात हो गई, एकनाथ शिंदे ने खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की, तकरीबन 5 मिनट तक ये बातचीत हुई है टेलीफोन पर। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या रास्ता निकल पाया, क्या सीएम ठाकरे के वापसी के प्रस्ताव को शिंदे ने इनकार कर दिया है, यह जानकारी मिल रही है। हिंदुत्व और दूसरे विषय पर शिवसेना की मौजूदा भूमिका पर शिंदे की नाराजगी अभी भी कायम है। हितेन जुड़ चुके हैं और अपडेट उनसे। हितेन, क्या रास्ता सुलह का नहीं बन पाया क्या? बिल्कुल, सीधे तौर पे शिवसेना में वापसी के लिए सीधे तौर पे मना कर दिया एकनाथ शिंदे ने। आपको बता दूं, राहुल नार्वेकर और एक और विधायक जो है रविंद्र पाठक, ये दोनों करीब 2 घंटे तक सूरत में अंदर थे, सभी विधायकों के साथ बातचीत की, एकनाथ शिंदे भी वहीं पे मौजूद थे। इसी 2 घंटे के भीतर सभी विधायकों के सामने एकनाथ शिंदे ने खुद उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उन्हें वापसी के लिए प्रस्ताव भेजा, लेकिन एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि जिस तरीके की हिंदुत्व को लेकर शिवसेना की मौजूदा 2.5 साल में जो भूमिका बनी है उस भूमिका से वो खुश नहीं है, सीधे तौर पे वो मना कर दिया। दूसरा रीजन ये था, कई अन्य बातें भी थी। देखिए, पार्टी में नाराजगी थी, पार्टी में कई विधायकों की नाराजगी सीधे तौर पे उद्धव ठाकरे के साथ थी, क्योंकि उद्धव ठाकरे ना कभी विधायक। अच्छा, हितेन, अब ये बताइए आगे क्या? तो किसी प्रकार नाराजगी थी, मनाने की कोशिश हो गई, शक्ति बल किसके पास है वो दिखाया जा रहा है, लेकिन आगे क्या कुछ बदलाव होना है, दावे होने हैं?
अब मुझे लगता है कि रोहित यहाँ पर अब सत्ता परिवर्तन दिखेगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रस्ताव भेजा गया तो अब निश्चित तौर पर अब से थोड़ी देर बाद 9:30 बजे तक एमवीए की एक बैठक होनी है जिसमें शरद पवार खुद मौजूद रहेंगे। उसी बैठक में तय किया जाएगा कि महाविकास आघाड़ी क्या करेगी आगे, किस तरीके से सरकार बचाएगी। 2-2.5 घंटे के करीब उनको मिलने का वक्त, शुरुआत में पता चलता है कि वो नहीं मिलने दिया जा रहा है, लेकिन फिर फाइनली उनकी मुलाकात होती है। 15 मिनट मिलिंद नार्वेकर ने अपने फोन से बात करवाई उद्धव ठाकरे की, एकनाथ शिंदे से, कि हमारे सोर्सेज इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, और उस 15 मिनट की बातचीत में लगातार एकनाथ शिंदे इस बात को लेकर अडिग रहे कि वो अब यहां से वापसी की गुंजाइश को बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं, वो हिंदुत्व के मुद्दे पर अडिग हैं, वो संभावना पर बात करने के लिए तैयार हैं कि दोनों पार्टियां हिंदुत्व की, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो शिवसेना हो, दोनों साथ आनी चाहिए, इस मुद्दे पर वो अपना रुख रख रहे थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जैसे सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं कि जब मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो पार्टी के खिलाफ होता है, तो आपने मुझे एक विधायक दल के जो प्रमुख नेता के पद से कैसे हटा दिया है। मैं आज भी शिवसैनिक था, मैं कल भी शिवसैनिक था, मैं बाला साहब का शिवसैनिक हूं, ये तमाम बातें हैं, ये उन्होंने अपने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में उद्धव ठाकरे को कन्वे कर दी है। उद्धव ठाकरे को कन्वे कर दी गई है कि आपने कैसे मुझे विधायक दल के नेता से हटाया, इस पद से हटाया, मैं कल भी शिवसैनिक था, आज भी शिवसैनिक हूं और कल भी शिवसैनिक रहूंगा, बाला साहब ठाकरे का शिवसैनिक हूं। लेकिन 15 से 20 मिनट जो अपडेट मिल पा रही है, 15 से 20 मिनट बात हुई है, मुझे इस महत्वपूर्ण पद से हटा दिया जाए। विधायक दल का सबसे बड़ा जो नेता होता है वो गुट नेता होता है, आपने मेरे को मेरी नॉलेज के बिना मुझे इस पद से हटा दिया और वहां पर अजय चौधरी को। बिल्कुल बिल्कुल हितेन, ये 15 से 20 मिनट के बातचीत पर सवाल ये कि मैंने क्या पार्टी के खिलाफ किया, और दूसरी तरफ आपने एक्शन लिया, एक हो जाए, संभावनाओं पर बात होगी, वापसी पे नहीं, यानी बीजेपी शिवसेना एक, अदरवाइज नो ऑप्शन। बिल्कुल, देखिए सभी विधायकों ने सुबह ही ये शर्ते रख दी थी उद्धव ठाकरे के सामने, शिवसेना के सामने, कि आप कांग्रेस और एनसीपी के अलायंस वाली इस सरकार को गिरा दीजिए और बीजेपी के साथ गठबंधन करिए, तभी वो वापस शिवसेना में आएंगे। देखिए अभी भी वो शिवसेना में बने हुए, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं सूत्र ये बता रहे, एकनाथ शिंदे से जुड़े जो करीबी है उन्होंने सीधे तौर पे ये इशारा दिया है कि आने वाले 48 घंटे में एकनाथ शिंदे ये फैसला लेंगे। चलिए बड़ी खबर अभी आ रही है, मैं वो बता दूं, संजय राउत का बड़ा बयान, शिंदे नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ, संजय राउत ये दावा कर रहे हैं, बीजेपी का साथ छोड़ना शिंदे भी गवा रहे हैं, राउत का भी ये दावा है, संजय राउत अब ये दावा कर रहे हैं बीजेपी का साथ छोड़ने का, शिंदे भी गवा रहे हैं, संजय राउत अब ये दावा कर रहे हैं शिंदे नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ, जबकि अभी थोड़ी देर पहले हमने अपने सोर्सेस से जब ये जानकारी आप तक साझा की कि 15 से 20 मिनट तक लगभग उद्धव ठाकरे से बातचीत हुई है एकनाथ शिंदे की, जिसमें एकनाथ शिंदे ने नाराजगी जताई है हिंदुत्व के मुद्दे पर, जिस तरह से शिवसेना का स्टैंड बदला है, और उन्होंने संभावनाओं पर बात करने की कही है, ना कि वापसी की। क्या हो सकता है, शर्त नियमावली कुछ नहीं, संभावना यह हो सकती है कि अगर शिवसेना और बीजेपी साथ आए तब शायद संभावना बन सकती है, नहीं तो यहां से वापसी करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब दूसरी तरफ संजय राउत का यह दावा, संजय राउत यह कह रहे हैं कि कहीं भी कोई नहीं जाएगा, शिंदे कहीं नहीं जाएंगे, शिंदे साथ आएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। हमारे लोग वहाँ गए थे तो इतना शिंदे जी से बातचीत हो गई, इतना शिंदे हमारे बहुत पुराने साथी है, एक अच्छा रिश्ता हमेशा हमारे दोनों का रहा है, उनकी कुछ बातें हैं जो बातें मिलिंद नार्वेकर और रवि फाटक आकर उद्धव जी से बात करेंगे। तो संजय राउत ये दावा कर रहे हैं कि किसी भी हाल में बीजेपी के साथ शिंदे नहीं जाएंगे, यानी एकनाथ शिंदे नहीं जाएंगे, लेकिन ये दावे का आधार क्या है हितेन, किस आधार पर यह दावा संजय राउत कर रहे हैं, जबकि जान रहे हैं कि वो नाराज है, वो जान रहे हैं कि विधायकों के साथ एक होटल में है और लगातार बीजेपी के संपर्क में है। देखिए संजय राउत सब कुछ जानते हैं कि पार्टी में कुछ भी सही नहीं है, लेकिन वो फिर भी ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी के सभी विधायक को जो है वापस कर लिया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से मिलिंद नार्वेकर और पाठक खुद, रविंद्र पाठक खुद मिलने के लिए गए थे, 2 घंटे तक उनके साथ होटल में मुलाकात भी हुई, तो उन्हें ये उम्मीद थी कि ये 2 घंटे की मुलाकात और उद्धव ठाकरे से टेलीफोनिक चर्चा के बाद हो सकता है कि वो वापस आ जाए मुंबई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं, और ऐसा भी हुआ नहीं, और इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि सियासी खींचतान लगातार बरकरार है। हितेन शुक्रिया आपका।
वैसे महाराष्ट्र में सियासी भूचाल के बीच जमकर बयानबाजियां भी हो रही है और शिवसेना से बगावत करने वाले नेता एकनाथ शिंदे जहां हिंदुत्व के बहाने उद्धव ठाकरे पर वार कर रहे हैं, तो वहीं उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को बगावत की सजा दे दी है। बगावत हुई है उसकी स्क्रिप्ट संजय राउत लिख रहे हैं। महाराष्ट्र में सियासी भूचाल, दिल्ली से सूरत तक गदर। शिवसेना सुप्रीमो और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामने इस समय दो बड़ी चुनौतियां एक साथ आकर खड़ी हो गई। उन्हें न सिर्फ अपनी पार्टी को टूटने से बचाना है बल्कि महाराष्ट्र की सरकार भी बचानी है। उनके विश्वस्त साथी रहे एकनाथ शिंदे बगावत कर चुके हैं और उन्होंने कुछ दूसरे विधायकों के साथ सूरत में डेरा डाल दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिरेगी या बचेगी। उद्धव जी से मेरी लगातार बातचीत चल रही है, मुझे इतना ही विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा और जो मंसूबे लेकर अपने आप को किंग मेकर समझ कर कुछ लोग जो काम कर रहे हैं वो सफल नहीं हुआ। मैंने तो अभी भी फ्लाइट में बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया है। जो संकट मेरे महाराष्ट्र पे वो मैं पहले दिन से कह रही हूँ वो दूर होना चाहिए, संकट मोचन ही बचाएंगे हमारे महाराष्ट्र। खबरों के मुताबिक शिवसेना के सभी बागी विधायक सूरत के ली मेरेडियन होटल में रुके हैं। विधायकों को सूरत लाने में बीजेपी के दो बड़े दिग्गज नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। सभी विधायक सोमवार शाम से ही संपर्क से बाहर हैं। इधर खबरें आ रही हैं कि जिस होटल में एकनाथ शिंदे अपने समर्थकों के साथ रुके हैं वहां बीजेपी के एक सीनियर नेता को भी भेजा गया जो कि देवेंद्र फडणवीस के करीबी हैं। ऐसे में शिंदे इस वक्त किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का दावा है कि शिवसेना में बगावत संजय राउत के बयानों की वजह से हुई है। संजय राउत के इस प्रकार से भड़काऊ भाषणों से, जिसको मराठी में कहते हैं कि चुभने वाले बातों से ही ये सारे प्रॉब्लम निर्माण हुए हैं उनकी पार्टी में भी, और लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका उदाहरण एकनाथ शिंदे जी की बगावत है। इससे पहले कुछ हमारे एमएलएस को उठाकर यहाँ हरियाणा में गुजरात में कुछ एरिया में रखे गए थे, मगर बाद में वहाँ से निकल कर वापिस आ गए, सरकार बनाया। सरकार बनने के बाद पिछले 2.5 साल सरकार ठीक से चल रहा है। शिवसेना के साथ साथ कांग्रेस में भी फूट पड़ती दिख रही है। सूत्रों के हवाले से पता चला कि कांग्रेस के 10 विधायक नाराज हैं और पार्टी छोड़ सकते हैं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 30 से ज्यादा विधायक बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे अपनी सरकार को बचाने के लिए क्या करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बीच एक और बड़ी खबर अभी आ रही है, वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि जी मीडिया से बोले हैं संजय राउत। जी मीडिया से बातचीत में संजय राउत ने कहा है, बीजेपी ने लिखी है ये पूरे स्क्रिप्ट, यानी जो घटनाक्रम अभी महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल रहा है। संजय राउत का कहना है कि इसकी पूरी कहानी यानी पूरी रूपरेखा तैयार बीजेपी ने की है, पूरी स्क्रिप्ट बीजेपी ने तैयार की है। जी मीडिया से संजय राउत ने यह कहा है, मुंबई में 35 विधायक हमारे साथ हैं, संजय राउत कह रहे हैं, और शिंदे एक बार मेरे से मिलते बात बन जाएगी, बस ये दावा भी बार बार कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर अभी आ रही है, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से उद्धव सरकार की संकट बढ़ती जा रही है उसके बीच में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच बातचीत फेल हो चुकी है। फिर से ये अपडेट आपको दे दूं, शिवसेना में वापसी के जो संकेत थे वो लगभग अब फेल हो चुके हैं। बीजेपी और शिवसेना की एक आइडियोलॉजी है और बीजेपी और शिवसेना को साथ आना चाहिए, शिंदे ने यह कहा है। दोनों मिलकर अभी भी सरकार बना सकते हैं, शिंदे ने यह रास्ता दिखाया है उद्धव ठाकरे को। 15 से 20 मिनट लगभग ये बातचीत हुई और उस बातचीत में यह नतीजा निकला है, शिंदे ने साफ कह दिया है कि वापसी का कोई भी रास्ता मेरे पास नहीं है और संभावनाओं पे बात हो सकती है। संभावना ये कि अगर एक विचारधारा की दो पार्टियां एक साथ आ जाए, यानी कि शिवसेना और बीजेपी
अगर एक साथ आ जाए तो शायद ऐसे सूरत हाल हो सकते हैं कि सरकार बन जाए। हितेन मेरे साथ जुड़े मुंबई से। हितेन, ये यानी नकार दिया गया, वापसी बीजेपी के साथ ही संभव है, ये कहना है क्या? बिल्कुल, सुबह से यही दबाव वो बनाने की कोशिश कर रहे थे शिवसेना पर। सभी विधायकों ने भी कहीं ना कहीं जो एक बात रखी थी उसमें यही कहा था कि सिर्फ और सिर्फ शिवसेना और बीजेपी, जिसके आइडियोलॉजी एक ही है, हिंदुत्व भी एक है, वो एक साथ आकर सरकार बनाएंगे तभी वो वापस जो है सूरत से मुंबई आएंगे, वरना वो शिवसेना से इस्तीफा देने पर भी जो है वो आगे विचार कर सकते हैं। यानी कि सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे ने जब उद्धव से भी 20 मिनट तक अभी टेलीफोनिक चर्चा की है, उसमें उद्धव ठाकरे को भी यही कहा है कि आप सोचिए, विचार करिए, और नहीं अगर आप कर सकते हैं, कांग्रेस और एनसीपी के साथ अलायंस नहीं तोड़ सकते हैं, तो फिर एकनाथ शिंदे जो है, एकनाथ शिंदे के करीबी लोग बताते कि एकनाथ शिंदे फिर विचार कर सकते हैं कि वो अपनी खुद की पार्टी एक रीजनल पार्टी नहीं डाले और उसके बाद वो बीजेपी को समर्थन देकर वहाँ पर अपनी सरकार जो है वो नहीं बनाती नजर आए, क्योंकि एकनाथ शिंदे शिवसेना के कोर लीडर्स में थे। एक आप देखिए किसके करीबी थे, आनंद दिघे के करीबी थे, जो ठाणे जिले के सबसे बड़े नेता कहे जाते थे, वहाँ पर बाला साहब ठाकरे के पहले आनंद दिघे का नाम चलता था ठाणे डिस्ट्रिक्ट में, और कहीं ना कहीं इसीलिए उनके जितने भी करीबी लोग थे उनको शिवसेना में उनकी मौत के बाद काफी ज्यादा प्रभुत्व जो है वो दिया गया। उनमें से एक ये थे एकनाथ शिंदे, वो आ, 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 काफी सीनियर लीडर भी थे। हितेन, इसीलिए अभी भी संजय राउत का ये कह रहा कि मुझसे मुलाकात हो जाती तो फिर सारे बात बन जाएंगे, ये कॉन्फिडेंस कहां से संजय राउत लेकर आ रहे हैं? देखिए संजय राउत, हमेशा से बीते 2.5 वर्षों से हमने देखा है कि जब जब महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस देखने मिला है तब तब संजय राउत का ये आत्मविश्वास जो है वो कहीं ना कहीं बढ़कर सामने आता है। हालांकि इस वक्त ये शिवसेना में सबसे करीबी ठाकरे परिवार के अगर कोई कहे जाते तो वो संजय राउत है, इसीलिए वो उस कॉन्फिडेंस के जरिए जो है वो कहीं ना कहीं बयानबाजी के जरिए जो है इन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब उद्धव ठाकरे से नहीं मान पाए तो संजय राउत कौन सी बड़ी तोप है, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, नजर अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में बहुत बड़ा उलटफेर करने की कोशिशें लगातार चल रही है और एकनाथ शिंदे उसकी सबसे बड़ी कड़ी के तौर पर उभरे हैं। एक छोटा सा ब्रेक के उस पर भी खबरें लगातार जारी है। तो बड़ी खबर अभी आ रही है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासी संकट पर देखिए जिस तरह से लगातार बड़े अपडेट आ रहे हैं वो पता चल रहा है कि कितनी बड़ी चुनौती अब कम से कम वहां पे सरकार को है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने भी अब फूट दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस की बैठक से गायब रहे 14 विधायक। 14 विधायक ऐसे हैं जो गायब रहे हैं कांग्रेस की बैठक से, और कल सुबह फिर से कांग्रेस की एक बैठक होनी है और आज की बैठक में 30 विधायक ही मौजूद रहे, 14 विधायक मौजूद नहीं रहे हैं। यानी सब कुछ कांग्रेस में भी ठीक है ये कह पाना भी शायद अभी महाराष्ट्र के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इन चुनौतियों के बीच में ये पता चल रहा है कि फिर से कल सुबह बैठक होनी है, और उससे पहले दरअसल 14 ऐसे विधायक थे कांग्रेस के जो आज बैठक में शामिल नहीं हुए। यानी भले ही एकनाथ शिंदे को ठाकरे सरकार के खिलाफ एक चेहरा बनाया गया, लेकिन निश्चित रूप से इस सियासी महासंग्राम के पीछे बीजेपी ने अपने ऑपरेशन लोटस को पूरी तरह से उतारा है। जरा देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में रातों रात तूफान आ गया। आज सुबह खबर आई कि शिवसेना के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे से संपर्क नहीं हो पा रहा। कुछ ही देर बाद पता चला कि शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 2 दर्जन से ज्यादा विधायक गुजरात के सूरत में मौजूद हैं। राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार पर बड़ा संकट आ गया। दावा है कि शिंदे के साथ शिवसेना के ही करीब 25 विधायक हैं। एनसीपी और कांग्रेस के अलावा छोटे दलों और कुछ निर्दलीय विधायक भी सूरत पहुंच चुके हैं। इधर बीजेपी ने भी गोटियां सेट करनी शुरू कर दी हैं। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस मुंबई से दिल्ली पहुंचे और सूरत पर सबकी नजर है। अब सवाल ये है कि क्या ये विधायक पाला बदलेंगे और बीजेपी के खेमे में जाएंगे। फिलहाल शिवसेना इसे बीजेपी की बड़ी साजिश बता रही है।
बैठक की नहीं है, हम पूरी शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के लीडरशिप में उनके साथ खड़ी है। आज उद्धव ठाकरे जी यहाँ बैठे हैं, हम सब MLA, हम नेता, सांसद सब लोग यहाँ है और उनके साथ रहेंगे। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में कोई भूकंप नहीं आएगा। कुछ विधायकों को गुमराह किया गया है जिससे संपर्क नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा कि सूरत में जो विधायक हैं उन्हें आने नहीं दिया जा रहा। राउत ने कहा कि सबकी घेराबंदी कर दी गई है, सभी विधायक आना चाहते हैं और वे हर संघर्ष में शिवसेना के साथ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे जिस वक्त महाराष्ट्र के सियासी संग्राम से लगातार बड़ी खबरें आ रही है तेजी से, उसी वक्त मुंबई से दिल्ली का सफर कर रही है निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और हवाई जहाज में हनुमान चालीसा भी वो पढ़ रही थी। देखिए ये भी। सुबह से ही जहां महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं, वहीं मुंबई से दिल्ली रवाना होते वक्त महाराष्ट्र से सांसद नवनीत राणा फ्लाइट में हनुमान चालीसा पढ़ती नजर आई। मुंबई से दिल्ली रवाना होते वक्त नवनीत राणा ने फ्लाइट में ही हनुमान चालीसा का पाठ किया। नवनीत राणा के समर्थकों ने राणा के हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर कहना शुरू कर दिया कि अब उद्धव सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक बड़ी खबर अभी आ रही है, संसदीय बोर्ड की बैठक में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपको बता दें कि संसदीय बोर्ड की बैठक में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जेपी नड्डा ने पीएम मोदी का स्वागत किया है। संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही है जिसमें राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो कैंडिडेट है उसके नाम पर फैसला लग सकता है। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक महिला कैंडिडेट और आदिवासी कैंडिडेट के ऊपर ज्यादा तवज्जो इस बार बीजेपी दे रही है। इसमें कई सारे नाम है, आनंदीबेन पटेल का भी नाम चल रहा है, द्रौपदी मुर्मू का भी नाम चल रहा है और संसदीय बोर्ड की बैठक में आज इस पर लगभग तय हो जाएगा कि कौन सा नाम बीजेपी की तरफ से रखा जाएगा, क्योंकि विपक्ष की तरफ से जो चेहरा सामने रखा गया है वो यशवंत सिन्हा का है। यानी विपक्ष ने, ममता बनर्जी ने वो एक नाम रखा यशवंत सिन्हा का जिसको 19 पार्टियों का समर्थन मिल गया है। दूसरी तरफ संसदीय बोर्ड की बैठक और जेपी नड्डा ने पीएम का स्वागत किया था। पहलू ये है कि इसके मायने क्या बन सकते हैं, साथ ही साथ चर्चा इस बात को भी लेकर हो सकती है कि हाँ आगे की रणनीति जो महाराष्ट्र में हो रही है क्या उस पर भी चिंतन मंथन है। तो ये देखो, ये सबसे अहम खबर जो भी आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं संसदीय बोर्ड की बैठक में और प्रधानमंत्री का स्वागत खुद जेपी नड्डा ने किया, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया। और ये देखिए तस्वीरें, संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, उसकी तस्वीर है। और इस बैठक में कई मुद्दे वहां पर चर्चा में रह सकते हैं। पहलू ये है कि बीजेपी की जो ये संसदीय की बैठक है इसमें चर्चा ये है कि राष्ट्रपति के नाम पर चर्चा संभव है, हो सकती है, क्योंकि एक कैंडिडेट जो विपक्ष ने उतारा है यशवंत सिन्हा के तौर पर उतारा है। बीजेपी किन नामों पर आगे बढ़ती है वो देखना बहुत खास हो जाएगा। तीन महिला कैंडिडेट्स के नाम पर चर्चा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी कि बीजेपी उनको बैक सपोर्ट कर सकती है। इस बीच बात फिर से महाराष्ट्र की सियासत की कर लेते हैं, क्योंकि जी मीडिया से संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी ने ही ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी है। जो घटनाक्रम अभी महाराष्ट्र में हो रहा है उसकी पूरी स्क्रिप्ट बीजेपी ने लिखी है। मुंबई में 35 विधायक हमारे साथ हैं, ये कहना है संजय राउत का। शिंदे एक बार फिर से मेरे से मिलने बात बन जाएगी, शिंदे मिलेंगे, हम दोनों की आंखों से आंसू आ जाएंगे। जैसे मध्य प्रदेश में एक शिंदे को तोड़ दिया कांग्रेस से, तो यहाँ दूसरे शिंदे को तोड़ने की कोशिश हो रही है। वहाँ भी शिंदे, यहाँ भी शिंदे, लेकिन इतने आसानी से शिवसेना नहीं टूट सकती। ये मध्य प्रदेश वाला पैटर्न जो है, जो वहाँ चला वो यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि जो
हमारे विधायक अब गुजरात में है, उसको किडनैप करके वहाँ बंदी बनाया है, उसमें से बहुत से लोग हमारे संपर्क में हैं, वो वहाँ से छूटना चाहते हैं, फिर अपने घर में यानी शिवसेना के परिवार में वापस आना चाहते हैं, जल्दी आ जाएंगे, हमको कोई चिंता नहीं। आपको अभी भी विश्वास है कि एकनाथ शिंदे वापस आएंगे? देखिए, एकनाथ शिंदे हमारे पुराने साथी है, और सिर्फ साथी नहीं है, हमारे अच्छे मित्र है, हमारे भाई जैसे रिश्ते हैं सबके साथ, सालों साल का हमारा रिश्ता इतने आसानी से ख़त्म नहीं होगा। जब भी वो हमारे सामने आ जाएंगे तो हमारे दोनों के आंखों में आंसू होंगे, इतना ये रिश्ता पुराना है, एक बार बातचीत होनी चाहिए और बातचीत चल रही है। एक और बड़ी खबर अभी आ रही है एकनाथ शिंदे मामले में, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कुछ विधायकों के मुंबई से सूरत पहुंचने की भी खबर है, मुंबई पुलिस की सुरक्षा में सूरत पहुंचे हैं, ये जानकारी मिल रही है, मुंबई से सूरत पहुंचे हैं और मुंबई पुलिस की सुरक्षा में ये सूरत पहुंचे हैं, मुंबई पुलिस ने सुरक्षा प्रोवाइड की है। एकनाथ शिंदे मामले में इस वक्त की ये बड़ी खबर है, कुछ विधायकों के मुंबई से सूरत पहुंचने की खबर है, जहां पर एकनाथ शिंदे रुके हुए हैं, जहां पर एकनाथ शिंदे बाकी विधायकों के साथ रुके हुए हैं, सूरत में ही लिमिटेडिन होटल है जहां पर अभी उद्धव ठाकरे के दो चेहरे पहुंचे थे सुलह का रास्ता तलाशने के लिए। वही संजय राउत का एक बड़ा बयान भी सामने आया, शिंदे नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ, ये भी कहना है संजय राउत का, शिंदे नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ, बीजेपी का साथ छोड़ने का शिंदे भी गवाह रह चुके हैं, इसलिए बीजेपी में जाने का मतलब ही नहीं बनता, ये दावा किया है किसने, संजय राउत ने। हमारे लोग वहां गए थे तो एकनाथ शिंदे जी से बातचीत हो गई, एकनाथ शिंदे हमारे बहुत पुराने साथी है, एक अच्छा रिश्ता हमेशा हमारे दोनों का रहा है, उनकी कुछ बातें हैं जो बातें नितिन नार्वेकर और रवि फाटक आकर उद्धव जी से बात। वैसे एक और बड़ी खबर अभी आ रही है, कांग्रेसी नेता की सुरक्षा बलों से बदसलूकी की तस्वीर सामने आई है, नेता डिसूजा ने पुलिस कर्मियों पर थूका है, प्रदर्शन के दौरान डिसूजा को डिटेन किया जा रहा था और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नेता डिसूजा किस तरह से अभद्र व्यवहार उन्होंने किया ये आपको देखना चाहिए। देखिए ये तस्वीर है, ईडी जिस तरह से पूछताछ कर रहे राहुल गांधी से, कांग्रेस के तमाम नेता जो है सड़कों पर हैं और उसी क्रम में महिला पुलिसकर्मी नेता डिसूजा को बस में चढ़ा रहे थे और उसका विरोध करते हुए नेता डिसूजा ने महिला पुलिसकर्मियों पर थूक दिया। वैसे जिस दिन से ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है कांग्रेसियों का गुस्सा चरम पर है, आज पांचवें दिन जैसे ही राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में सवालों का जवाब देने ईडी ऑफिस पहुंचे, कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का सड़क पर संग्राम शुरू हो गया। राहुल से पूछताछ, कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस से भिड़ी अलका लांबा, आज जैसे ही पांचवी बार राहुल गांधी ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए पहुंचे, सड़क पर कांग्रेसियों ने संग्राम शुरू कर दिया। राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से पैदल मार्च निकाला, पार्टी नेता नारेबाजी करते हुए जंतर मंतर जा रहे थे लेकिन कुछ दूरी पर ही पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक लिया। फिर क्या था, कार्यकर्ता वहीं खड़े होकर नारेबाजी करने लगे, कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। नेशनल हेराल्ड मामले में लगातार राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है, आज पूछताछ का पांचवा दिन है, वहीं कांग्रेस का सत्याग्रह लगातार जारी है, कांग्रेस अपने दफ्तर से मार्च कर रही थी, ऐसे में बीच में पुलिस ने रास्ता रोक दिया और जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के तमाम नेता हैं, उन्हें इस तरीके से डिटेन किया जा रहा है। पुलिस ने जैसे ही मार्च रोका, विरोध में कांग्रेस नेता अलका लांबा पुलिस से भिड़ गईं और बीच सड़क पर बैठ गईं। रोते रोते अलका लांबा ने कहा कि आज देश की जो हालत है उस पर पूरा देश रो रहा है, सरकार हमारे लोकतांत्रिक अधिकार छीनना चाहती है, बच्चे सेना में भर्ती होकर देश के लिए शहीद होना चाहते हैं लेकिन सरकार उनसे ये मौका छीनना चाहती है। ये मैं नहीं रो रही हूँ,
मेरी चोट कल ठीक हो जाएगी, जो चोट देश के लोकतंत्र को संविधान को पड़ रही है। क्या मेरा नारा था, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। अलका लांबा को जब पुलिस ने सड़क पर से उठाने की कोशिश की तो पुलिस के साथ उनकी नोक झोंक भी हुई। उनके साथ दूसरे कांग्रेस नेता भी सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और बसों में बैठा कर अलग अलग थानों में भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े कई राज अब धीरे धीरे सबके सामने आने लगे और शूटर्स की गिरफ्तारी, जेल में बंद अपराधियों से पूछताछ और इस केस में सबसे अहम कड़ी साबित हो रही है। क्या प्लान था, किस तरह से अंजाम दिया गया, इस पर से भी जांच एजेंसियां जल्द ही पर्दा हटा सकती है। मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पुलिस की वर्दी में था मारने का प्लान, गिरफ्तार शूटर्स ने उगले राज। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। हत्या में शामिल शूटर्स की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में हत्या से जुड़े कई राज सामने आए। पुलिस को इन लोगों ने बताया कि पहले सिद्धू मूसेवाला को पुलिस की वर्दी में उसके घर में घुसकर मारने का प्लान था, लेकिन 29 मई को जब पता चला कि मूसेवाला बिना सुरक्षा के ही घर से निकला है तो सड़क पर घेर कर हत्या को अंजाम दिया गया। हत्याकांड से जुड़ी कड़ियां परत दर परत खुल रही हैं। हर उस राज से पर्दा हट रहा है जो पंजाबी गायक के हत्या से जुड़ा है। मूसेवाला की हत्या की योजना गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब चुनाव के दौरान ही बनाई थी, लेकिन चुनाव के वक्त चाक चौबंद सुरक्षा के चलते प्लान को अंजाम नहीं दिया जा सका। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में मानसा गांव की रेकी करने भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई गुर्गे पहुंचे थे। जब इनको पता चला कि कोई सिक्योरिटी साथ नहीं है तो इन्होंने उनकी गाड़ी को पीछा किया। करोला ने गाड़ी को ओवरटेक करते हुए मनप्रीत मन्नू ने AK-47 फायर करी, तो उस बर्स्ट में जो सिद्धू मूसेवाला थे उनको गन शॉट्स लगे और उनकी थार वहीं पर रुक गई। इस बीच हत्या के 22 दिन बाद दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। शार्प शूटर प्रियवर्त फौजी और कशिश को दिल्ली पुलिस ने तीसरे साथी केशव के साथ गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के नजदीक एक किराए के मकान से गिरफ्तार किया। इन दोनों शूटर्स की गिरफ्तारी के बाद पंजाब पुलिस की राह अब और आसान हो सकती है। इनसे पूछताछ में हत्या से जुड़े अब तक कई राज भी सामने आ चुके हैं। गिरफ्तार किए गए शूटर्स में से एक प्रियव्रत फौजी हरियाणा का गैंगस्टर है। यह फतेहाबाद पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी में कैद हुआ था। 26 साल का प्रियव्रत सोनीपत जिले का रहने वाला है। प्रियव्रत फौजी शूटर्स के पूरे मॉड्यूल का हेड है। मर्डर के समय फौजी गोल्डी बराड़ से सीधे संपर्क में था। गिरफ्तार किए गए दूसरे शूटर का नाम कशिश कुलदीप है। 24 साल का कुलदीप हरियाणा के झज्जर का रहने वाला है। इसे भी घटना के पहले फतेहगढ़ के पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था। स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए तीसरे शूटर का नाम केशव कुमार है। 29 साल का केशव पंजाब के बठिंडा का रहने वाला है। 19 तारीख को सुबह के टाइम हमारी जो स्पेशल सेल की टीम्स थी, इन्होंने इनको अरेस्ट किया है। ये है खारी मिट्टी रोड विलेज बारोई मुंद्रा पोर्ट के पास। तो इन्होंने वहाँ पे एक रेंटेड मकान किसी लोकल प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ले रखा था। लॉरेंस बिश्नोई के बाद इन तीनों शूटर्स की गिरफ्तारी से सिद्धू मूसेवाला की हत्या के जुड़े अहम राज अब जल्द पर्दाफाश हो सकते हैं। मूसेवाला हत्याकांड में अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या 29 मई को की गई थी। सिंगर के मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वक्त अभी एक छोटे से ब्रेक है, लेकिन ब्रेक के उस पर भी खबरें लगातार जारी और आपको बता दें कि आगे जरूर देखिए मूसेवाला मर्डर केस में बड़ा खुलासा।